गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लास्ट लेक्चर में फेज थ्योरम और उसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ लिए थे, उस पर भी क्वेश्चन, उसके भी रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सिमिलरिटी। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पढ़ने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले सिमिलर के बारे में अवेयर होना होगा कि सिमिलर है क्या, सिमिलर क्या है, उसके बाद इसका हम लोग ट्राइंगल में वर्क करेंगे। तो सिमिलर क्या होता है बच्चों, बस बहुत बेसिक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे क्या कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या था, सारा शेप एंड साइज इक्वल था, सारा शेप एंड साइज क्या था, इक्वल था, कि जो उसका साइड भी इक्वल होगा, उसका एंगल भी इक्वल होगा, उसका पेरीमीटर भी इक्वल होगा, एरिया भी इक्वल होगा, सारा कुछ क्या था उसका इक्वल होगा, तब वो क्या कहलाएगा कॉन्ग्रुएंस। यानी बेसिकली कॉन्ग्रुएंस इज नथिंग बट इज द टू आइडेंटिकल फिगर्स, टू आइडेंटिकल फिगर्स, आइडेंटिकल फिगर क्या होता है बच्चों, सेम टू सेम होता है, तो वो आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब आपके पास आया है कि सिमिलरिटी यानी सिमिलर, तो सिमिलर कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, सिमिलर कहने का मतलब होता है एक के जैसा, उसके जैसा। जैसे अगर हम यहाँ पे ये बात करें एक सर्किल, ये सर्किल, तो हम ये नहीं कहेंगे ये सर्किल इसके जैसा है, कर सकते हैं ना, ये सर्किल इसके जैसा है, मतलब देखने में सेम लगे, हले उसका शेप और अलग अलग हो या फिर और भी कुछ अलग अलग हो, बस देखने अगर में हमको सेम लग रहा है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते, सिमिलर सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, तो क्या देखने में आपको सेम लग रहा है, नहीं सेम एकदम नहीं लग रहा, ये आपको कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग सिमिलर ट्राइंगल नहीं बोल सकते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट देखने में एक दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह लगे उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। जैसे हमें क्या, जैसे मैं भी अपने पापा से मिलता जुलता हूँ तो नहीं कहते ये, अरे ये तो अपने पापा का एकदम सिमिलर है, हमें भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, अरे ये अपने पापा का सिमिलर है, ये अपने मम्मी का सिमिलर है, तो क्या उस समय मेरा और उनका सारा कुछ इक्वल है, वेट एज सब कुछ बराबर है, नहीं ना, कुछ नहीं बराबर है। तो इस तरह से हमारा कहते हैं सिमिलर मतलब सेम दिखना, सिमिलर मतलब सेम दिखना, बट इन द पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री, पॉइंट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर फिगर किसे कहेंगे, याद से ध्यान सुनिए हम क्या कर रहे हैं। अब जैसे हम सिमिलर का बात कर रहे हैं, सिमिलर फिगर सिमिलर क्या होता है वो हम बात कर रहे थे, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर फिगर उसे कहेंगे जब कोई भी दो पॉलीगॉन या फिर कोई भी दो फिगर का सारा एंगल इक्वल और सारा साइड प्रोपोर्शनल हो। यानी कहने का मतलब हो गया कि सिमिलर तभी होगा जब वो दो कंडीशन होंगे, पहला कंडीशन ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड ऑल साइड प्रोपोर्शनल, क्या होंगे बच्चों प्रोपोर्शनल। ध्यान सुनिए हम क्या बोले कि इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर फिगर उसे कहते हैं जिसमें सारे एंगल आपस में बराबर हो, सारे एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, बराबर हो। यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल भी, एक ट्राइंगल और ले लेते हैं यहाँ पे, हाँ, यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के सारे एंगल आपस में बराबर हो और इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल सारे साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो, तब ये दोनों फिगर हमारा सिमिलर फिगर कहलाएगा, अन्यथा ये सिमिलर फिगर नहीं कहलाएगा। तो हम लोग को तो ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज जान गए है ना, सबसे पहले हमारे पास ये चीज पता चल गया कि सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी क्या है, नथिंग इट इज नथिंग बट इट लुक लाइक सिमिलर बट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योमेट्री ऑल एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंड ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर ये काम हो गया तो आपका ट्राइंगल सिमिलर हो गया, यानी कोई पॉलीगॉन सिमिलर हो गया, अगर ये नहीं हुआ तो ये सिमिलर नहीं होगा। तो चूंकि अब हम ट्राइंगल के केस में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ट्राइंगल में क्या लेंगे, तीन साइड और तीन एंगल लेंगे, है ना, उसमें भी हमारा यही है कि ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल में हमारा तीनों का तीनों साइड, तीनों का तीनों एंगल इक्वल हो और तीनों का तीनों साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तब वो हमारा सिमिलर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए इसको हम अच्छे समझते हैं, तो एक दो ट्राइंगल लेकर के बात करते हैं, है ना, क्या करते हैं हम यहाँ पे दो ट्राइंगल को मेंशन करते हैं। अब ये तो पता चल गया बच्चों कि सिमिलर किसे कहते हैं, सिमिलरिटी हमारा पता चल गया कि अगर हमारे पास सारा एंगल इक्वल और साइड प्रोपोर्शनल होगा तो वो सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल की बात करें अब ये दो ट्राइंगल है, अगर पहले से क्वेश्चन में गिवन है, अगर पहले से क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल DEF, अगर ये दे दिया है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, सिमिलर का समझ बच्चों, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F,
ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर। और अब देखिए ध्यान देखिए, ए के अपोजिट साइड बी सी, ए इज इक्वल टू डी, डी के अपोजिट साइड ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। उसके बाद बी लिए, बी का अपोजिट साइड ए सी, बी का अपोजिट साइड ए सी, बी इज इक्वल टू ई, ई का अपोजिट साइड डी एफ। उसके बाद क्या लिए, सी, सी का अपोजिट साइड ए बी, और सी इक्वल टू एफ, एफ का अपोजिट साइड डी। बस इसी को समझना है बच्चों, इसको मेरे को फिर बताते हैं। जो एंगल इक्वल होगा एंगल ए के सामने बी सी, एंगल ए के सामने बी सी, फिर एंगल ए इक्वल टू डी, तो डी के सामने जो होगा वही लिखा जाएगा, एंगल बी के सामने ए सी तो बी के सामने ए सी, फिर बी इक्वल टू ई के सामने डी एफ, तो नीचे डी एफ, सी एफ, इस तरह से हम लिख लेंगे। ध्यान क्या रखना है बच्चों, देखो अब इसमें दो तरीका ध्यान रखने का, कि ये आपका सही लिखा हुआ है नहीं सही लिखा हुआ है, इसका दो तरीका आप चेक कर सकते हैं। एक तो एंगल के अनुसार इसको आप लिख दिए ना, अब इसको आप दो तरीका चेक कर सकते हैं आपका सही लिखा हुआ कि नहीं सही लिखा हुआ। पहला तरीका कि ये तीनों आपका एक ही ट्रायंगल का होना चाहिए और ये तीनों आपका एक ही ट्रायंगल का होना चाहिए। देखो क्या ये तीनों एक ही ट्रायंगल में है, ये तीनों एक ही ट्रायंगल में है, ये है क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए ए बी अपॉन डी है, ए बी अपॉन डी है, देखो ए बी अपॉन डी ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, बी सी अपॉन ई एफ है, बी सी अपॉन ई एफ है ना, फिर ए सी अपॉन डी एफ है, ए सी अपॉन डी एफ है ना। तो सबसे इजी तरीका तो यही है ना, आपका सर हम क्यों हम एंगल के अनुसार लिखे, हम इसको आप इसी तरह लिख देते हैं कि अक्सर दो ट्राइंगल अगर है सिमिलर तो उसको डायरेक्ट लिए ए बी अपॉन डी ही, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, उतना लिखने की जरूरत क्या। तो बच्चों आप भी इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन अब वो अगर हम चीज सीख जाएंगे तो क्वेश्चन में उसका यूज करने के लिए सीख जाएंगे। हम उसको इसलिए बता रहे थे कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसका यूज बहुत होता है। तो चलिए अब आपके पास क्या है, यानी कि एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शनल, तो आपके पास दो चीज हो गया, ठीक है, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके सारा एंगल इक्वल और साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा इसका अगर उल्टा हम बात करें, इसका उल्टा बात करें कि यदि कोई ट्राइंगल में, यदि कोई दो ट्राइंगल में, यदि कोई दो ट्राइंगल उनके सारे एंगल आपस में इक्वल और सारे साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो तो फिर उनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल। उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्या हम बोले अभी, कि यदि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके सारे एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, सारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे और क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और यदि कोई ट्राइंगल में, कोई दो ट्राइंगल में सारे एंगल आपस में बराबर हैं और साइड प्रोपोर्शनल है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो या तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, अब हमें ट्रायंगल को सिमिलर करने का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ट्रायंगल को सिमिलर करने का क्या पता होना चाहिए बच्चों, क्राइटेरिया पता होना चाहिए। क्राइटेरिया देखो हम क्या बता समझाते हैं, ध्यान देखिए, याद है क्लियर बच्चों, है ना। क्राइटेरिया ये हुआ कि हम दो ट्रायंगल को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट, सॉरी दो ट्रायंगल किस तरह से सिमिलर कर सकते हैं, दो ट्रायंगल किस तरह से सिमिलर कर सकते हैं। तो चलिए हम थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर वन, ए ए ए, ए ए ए थ्योरम कहने का मतलब क्या हो गया, एंगल एंगल एंगल, यानी दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में बराबर हो। इसका स्टेटमेंट बस कुछ खास नहीं है, इसका स्टेटमेंट है इफ टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर देन दे आर सिमिलर, देन दे आर, if two triangles are equilateral then they are similar, ठीक है। इसका आपका स्टेटमेंट हो गया। अब आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ, अब इसको आप प्रूफ करिएगा, है ना। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो AAA थ्योरम से हम लोग ट्राइंगल क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। आपके पास क्या गिवन है, दो ट्राइंगल है जो कि इक्विएंगुलर, दो ट्राइंगल का क्या इक्विएंगुलर है, यानी कि दो ट्राइंगल का सभी एंगल आपस में क्या इक्वल है। तो प्रूव करें, साबित करें कि वो सिमिलर भी होंगे, साबित करें क्या वो सिमिलर भी होंगे। तो अभी भी हमने क्या कॉन्सेप्ट जाना बच्चों, कि दो ट्राइंगल सिमिलर तभी हो सकते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर तभी हो सकते हैं जब उनके सारे साइड प्रोपोर्शनल और सारा एंगल करेस्पोंडिंगली इक्वल, तब होगा प्रोपोर्शनल, नहीं तो तब होगा सिमिलर, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान से देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है कि सारा एंगल आपस में इक्वल है, सारा एंगल आपस क्या इक्वल है। तो थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं बच्चों, थ्योरम से पहले क्या चाहिए, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद क्या चाहिए, फिगर, फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। ए बी सी डी ई
एफ। उसके बाद क्या होता है बच्चों, गिवन है ना, स्टेटमेंट फिगर, फिगर पर क्या गिवन, गिवन क्या दिया, इक्वल एंगुलर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। प्रूफ क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ है ना, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल डी ई एफ। कैसे प्रूफ होगा, तो सर अभी भी हम पढ़े हैं कि कोई भी दो फिगर सिमिलर तभी होंगे जब उनका सारा एंगल इक्वल हो और सारा साइड प्रोपोर्शनल, यानी कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, अगर रिक्वायरमेंट दिया जाए तो रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमारे पास ए बी इक्वल टू डी ई आ जाए और ए सी इक्वल टू डी एफ आ जाए और बी सी इक्वल टू ई एफ आ जाए। अगर हमारे पास ये आ जाए और ये दिया हुआ है और ये आ जाए तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन है, कोई भी ट्राइंगल है जिसका सारा एंगल इक्वल है, सारे साथ प्रोपोर्शनल है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अभी अभी तो हम यही पढ़े ना, अभी अभी हम यही पढ़े, यानी कि बेसिकली आपको सारा एंगल इक्वल दिया हुआ, आपको ये प्रूफ करना है बच्चों कि दो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का रेशियो आपस में क्या बराबर है, दो ट्राइंगल का साइड का रेशियो आपस में क्या बराबर है। तो क्या प्रूफ करना है ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया है ना, क्या प्रूफ करना है ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया। चलिए तो हम लोग प्रूफ की बात करते हैं, हम लोग प्रूफ की बात करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका पहला प्रूफ है, थ्योरम पहला प्रूफ है। तो थ्योरम को पहले प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह से प्रूफ किया जाता है कि वो आसानी से प्रूफ हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लास 9 में ए ए से थ्योरम को प्रूफ किए होंगे, ए ए से कॉन्ग्रुएंसी, तो उसमें आप क्या किए थे, दो साइड को कंपेयर किए थे, दो साइड को क्या किए थे बच्चों, कंपेयर, और कंपेयर करके प्रूफ किए थे, दो साइड को आप कंपेयर किए थे, कंपेयर करके प्रूफ किए थे। यहां पर भी कंपेयर करेंगे, समझिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, हमारे पास एंगल इक्वल है। अगर हम ए बी और डी को कंपेयर करते हैं, ए बी और डी, हमारे पास दो साइड है ए बी और डी, इनको कंपेयर करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। पहले या तो ए बी डी आपस में बराबर होंगे, या तो ए बी इक्वल टू डी बराबर होंगे, या तो ए बी ग्रेटर देन डी, यानी ए बी हमारा एक्सीड करेगा डी से, क्योंकि हमको तो पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, मेजरमेंट तो कर नहीं रहे यहां पे हम, है ना, देखने में क्या है उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, मेजरमेंट कर नहीं रहे तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू डी भी हो सकता है, इट में भी ए बी बड़ा भी हो सकता है डी से, इट में भी, या फिर ए बी छोटा भी हो सकता है, ए बी क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट पहले आया समझना आपको बच्चों, हम लोग ए ए ए थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो ए ए थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर ये दो ट्राइंगल इक्विएंगुलर है तो हमको प्रूव करना है कि वो सिमिलर भी होंगे, सिमिलर होने के लिए हमें ये चाहिए। तो प्रूव करने के लिए पहले, चूंकि ये पहले थ्योरम, तो प्रूव करने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं कंपेयर करके प्रूव करते हैं। तो ए बी और डी को अगर हम लिए साइड को, ए बी और डी साइड को लिए, तो ए बी और डी साइड आपस में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या तो ए बी बड़ा हो सकता है, या तो ए बी छोटा हो सकता है। अब हम तीनों कंडीशन को लेकर के चलेंगे, क्या करेंगे बच्चों, तीन ऑल थ्री कंडीशन को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लेकर चले, है ना, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे ए बी इक्वल टू डी। आप ऐसा कीजिएगा, सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि एक बार में ये कंप्लीट नहीं होने वाला बच्चों। तो अगर हम ए बी इक्वल टू डी लिए केस वन, ए बी इक्वल टू डी, मान लिया जाए कि ए बी और डी आपस में बराबर है, तब क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, तो चलिए बच्चों हम लोग केस वन लेते हैं, है ना, केस वन में आपका क्या है, अगर हम केस वन में ले लेते हैं ए बी इक्वल टू डी ई, क्या लिए बच्चों, ए बी इक्वल टू डी ई, तो हमारा फर्स्ट केस ये ए बी इक्वल टू डी ई। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लेते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी ई है ना, यानी ए बी इक्वल डी, हाँ सही तो है, डी ई एफ, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ए बी और एसी में कंसिडर कर रहे हैं, तो या तो ए बी एसी बराबर होगा, या तो बड़ा होगा, तो छोटा होगा। सबसे पहले हम क्या लिए, बराबर केस में लिए, हमको नहीं पता क्या है एक्चुअल में, लेकिन हमारे पास तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ए बी इक्वल टू, हम ए बी इक्वल टू क्या लिए, डी ई लिए। तो जब ए बी इक्वल टू डी ई लिए, तो ए बी सी और डी ई एफ में लिए। तो अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू डी है, अब बताओ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये तो आपका पहले से गिवन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू डी, ये हमारा क्या नहीं है कंडीशन, या फिर केस लिख लो, यहाँ पे केस वन पे हमारा है, और उसके बाद क्या आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये भी आपका क्या है, ये तो किससे, एंगल साइड एंगल साइड एंगल बाई ए एस ए बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल
एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईएफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लिख सकते हैं एबी इक्वल टू डी, बीसी इक्वल टू ईएफ और एसी इक्वल टू डीएफ, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सारा साइड और सारा एंगल क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है, बाइसेक्टिसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम इधर लिख सकते हैं एबी अपॉन डी डिवाइड बाय 1 हो गया, ठीक है, बीसी अपॉन ईएफ डिवाइड बाय 1 हो गया, है ना, और एसी अपॉन डीएफ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप फोकस कीजिए, क्या सब में आरएचएस सेम है, तो सब में आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या होगा, आपस में सेम होगा, तो आरएचएस सेम हो गया तो एलएचएस भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो एबी अपॉन डी इजकल टू बीसी अपॉन ईएफ इजकल टू एसी अपॉन डीएफ, इधर क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिक्कत है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो क्या था रिक्वायरमेंट, क्या था बच्चों रिक्वायरमेंट था, तो यही तो लाना था रिक्वायरमेंट, ये सर साइड प्रोपोर्शनल में आ जाना चाहिए, तो क्या साइड प्रोपोर्शनल में आ गया, कैसे आया साइड प्रोपोर्शनल में, तो सर हम जैसे कॉन्ग्रुएंट किए डी को इधर लिख दिए, ये को इधर लिख दिए, ये को इधर लिख दिए, सब में आरएचएस हमारा क्या गया बन, तो आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी आपस में क्या होगा बराबर, तो आरएचएस बराबर तो एलएचएस आपस में बराबर, तो यही चाहिए था ना हमें, हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि एंगल हमारा इक्वल दिया हुआ है साइड प्रोपोर्शनल में ले आना है, क्योंकि एंगल इक्वल होगा साइड प्रोपोर्शनल लेगा तभी वो सिमिलर होगा, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं सिमिलर बोल सकते हैं, हेंस वी कंसीडर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बहुत इजीली से लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यानी कि एक बात पता चल गया कि अगर ए बी इक्वल टू डी होगा तो ट्रायंगल सिमिलर भी हो जाएगा, अगर ए बी इक्वल टू डी होगा ट्रायंगल सिमिलर भी हो जाएगा, तो अब अगर चलो सर ये तो बहुत ईजी था कि दोनों साइड इक्वल ले लिए, अब हम बड़ा या छोटा लेंगे, आइदर ए बी बड़ा हो और आइदर ए बी छोटा हो, उस कंडीशन में क्या आता है, उस कंडीशन में सिमिलर आता है कि नहीं आता, हम लोग वो चेक करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं ना, आप लोग इसको नोट डाउन साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए, ध्यान से हम लिखते जाते हैं पॉज करके, इसको आप क्या कर दीजिए नोट डाउन भी करते जाइए तो ज्यादा क्लियर होगा। अब हम लेते हैं इसको ले लेते हैं एक्सप्लेन के लिए सबसे पहले, क्योंकि फिगर आपको कुछ उस तरह से बना हुआ है ना, फिगर आपको कुछ क्या बना हुआ उस तरह से बना हुआ है। चलिए तो आपके पास क्या है ए बी से डी बड़ा है, आपके पास क्या है ए बी से डी क्या है ग्रेटर देन है, जितना ए बी है उससे ज्यादा क्या है डी है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा ना, जितना ए बी का मेजरमेंट है, जितना ए बी का मेजरमेंट है उतना यहाँ पे पी क्यू ले लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, केस नंबर टू, केस नंबर कितना हो गया टू, टेक ए बी इक्वल टू डी पी, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि जितना हमारा ए बी से डी ई बड़ा है ये क्लियर है, लेकिन जितना ए बी है उतना मेजरमेंट करके हम काट सकते हैं यहाँ पे आराम से, कट सकता है कट कर लीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे क्यू, अच्छा पी बोल देते ना पी, ठीक है। और जितना ए सी है उतना हम क्या ले लिए क्यू, जितना ए सी उतना हम क्या ले लिए डी क्यू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट हम ध्यान समझे, हम क्या बोले हैं कि इस कंडीशन में केस कंडीशन नंबर टू में ए बी इज स्मॉलर देन डी, यानी डी ग्रेटर देन है ए बी छोटा है, तो हम क्या करते हैं जितना ए बी है उतना यहाँ पे डी पे कट कर लेते हैं, फिर जितना ए सी है उतना हम डी क्यू पे कट कर लेते हैं, ये कहानी क्लियर है, इसको हम मैच कर दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए लेते हैं काम करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, अब आप ही बताइए क्या एंगल ए इजकल टू एंगल डी है, तो सर ये तो गिवन ही है, अच्छा ए बी इजकल टू इस ए बी की जगह पे हम इस ए बी इजकल टू डी पी होगा ए बी इजकल टू डी पी हो गया, ये आपका वही कंडीशन है, क्या ए सी इजकल टू डी क्यू होगा ए सी इजकल टू डी क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत है कहाँ दे, तो हम लोग केस में कंस्ट्रक्शन में लिए हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, तो एंगल ए इजकल टू एंगल ए इजकल टू एंगल डी गिवन है, ये इजकल टू ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिए और ये इजकल टू ये कंस्ट्रक्शन में, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीपीक्यू, अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों तुम ध्यान देखो, जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा एंगल आपस में इक्वल, सारा एंगल आपस में इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, हमको तो इसी से काम है, हमको बेसिकली इसी से काम है, इसको लेंगे नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अब देखिए यहाँ पे बी पी के बराबर हो गया, बी पी के बराबर कैसे हुआ, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ, तुम लोग कंस्ट्रक्शन लिए थे, अब बी पी के बराबर है और बी ई के भी बराबर है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं
बीपी के बराबर कहां से, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको जरूरत नहीं है, बाइसिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, और ये बाय गिवन, अगर इन दोनों पर फोकस किया जाए तो बी पी के बराबर भी है, बी ई के बराबर भी, देखो यहाँ पे बी पी के बराबर भी है और बी ई के भी बराबर है, तो बी पी के भी बराबर है, बी ई के बराबर, तो पी और ई आपस में बराबर होगा, पी और ई आपस में बराबर हो जाएगा, तो पी और ई आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। अब ये चूंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या लग रहा है आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल पी और ई एंगल ई कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम लिख सकते हैं बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम है, बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन में अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पीक्यू पैरेलल ईएफ, क्या गया बच्चों यहाँ पे, पीक्यू पैरेलल ईएफ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, हम क्या किए हैं, ए बी छोटा था डी बड़ा था, तो जितना ए बी था उतना मेजरमेंट के डी में कट कर लिए, और जितना ए सी है उतना हम डी क्यू कट कर लिए, उसके बाद सिंपल सा कॉन्ग्रेंट के कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट होने के बाद क्या आया, बी पी के बराबर बी ई के बराबर, बी पी के बराबर कॉन्ग्रेंट के कारण बी ई के बराबर गिवन है, तो ये दोनों आपस में बराबर, अब ये दोनों आपस में बराबर, तो लाइन पैरेलल, अब लाइन पैरेलल तो क्या लगेगा बच्चों, थ्योरम, क्या लगेगा बच्चों, थ्योरम, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए ई डी ई एफ क्या पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल EF, PQ parallel EF, क्या हम थ्योरम लगा सकते हैं, by BPT, DP upon DE is equal to BQ upon DF, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या चीज़ है खास प्रॉब्लम, DP upon पूरा DE और DQ upon पूरा DF, कोई दिक्कत नहीं है, अब एक बात बताओ, क्या DP की जगह पे हम ये भी लिख दें, जब दो और DQ की जगह पे AC लिख दें, हमारे पास ए बी अपॉन डी ई और डी क्यू जगह पे ए सी, ए सी अपॉन डी, क्या कोई गलती हो गया, नहीं ना, सही एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग एक चीज को प्रूव कर दिए, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू डी अपॉन ए क्यू, देखो एक चीज हमारा प्रूफ हो गया, एक चीज हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए बी, तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, अब ध्यान से देखो ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, यानी हमारे पास दो चीज आ गया, हमारे पास दो चीज आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे पास अगर बी सी अपॉन ई एफ भी आए तो काम बन जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ भी आ जाए तो काम बन जाएगा, देखो बच्चों ये सेम टू सेम प्रोसेस होगा, आप कहिएगा सेम टू सेम प्रोसेस कैसे होगा, ध्यान से देखो हम यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी एफ डी पी काटा हुआ था, ये तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था, ए सी इक्वल टू डी क्यू लिए थे ना, अगर हम ए सी इक्वल टू डी क्यू कंस्ट्रक्शन लिए थे, अब यहाँ पे इसको छोड़ करके एक सेकंड के लिए छोड़ करके अगर हम BC is equal to EF कट कर लें, क्या कट कर लें, जितना BC है उतना EF कट कर लें, मान लिया इतना तक कट कर लें, इसको DQ मान लें, इसको क्या मान लें, इसको DQ मान लें, तो जो हमारा लाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, या फिर इस तरह से कर लीजिए, यहां से यहां कट कर लीजिए, तो जो लाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, हमारा लाइन बनेगा ना इस तरह से, अगर लाइन इस तरह से बनेगी, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल, जैसे ये प्रोसेस हुआ, जैसे ये प्रोसेस हुआ उस तरह से हम इन्हें क्या करेंगे, पैरेलल प्रूफ कर देंगे, और जैसे ही पैरेलल प्रूफ होगा तो यहां पर हम ये फिर से लिख सकते हैं कि AB अपॉन डी ई इजकल टू, इस बार क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ, बात आया समझ में बच्चों, हम क्या किए एकदम बात को समझिए, हम क्या किए वहां तक आपका क्लियर है, ये कहां से आया, अब हम कंस्ट्रक्शन को चेंज करके फिर से अगर यानी सिमिलरली यहां पर करके लिख सकते हैं, सिमिलरली कंस्ट्रक्शन चेंज करके जो हम ए सी इजकल टू डी क्यू लिए थे उतना बी सी इजकल टू क्या ले लिए, क्यू एफ ले लिए, और इसको मिला करके हम क्या कर दिए, लाइन को पैरेलल कर दिए, जिस तरह से ये प्रूफ हो उस तरह से प्रूफ हो जाएगा, अब ध्यान देखिए इक्वेशन वन इक्वेशन टू, क्या ए बी अपॉन डी इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, यानी क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ, हो गया साइड प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, हमें रिक्वायरमेंट क्या था, साइड प्रोपोर्शनल, जैसे साइड प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा, जैसे साइड प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ आसानी से हो जाएगा, यानी दो केस में हम लोग देख लिए, हम लोग दो केस में कंसिडर कर लिए कि हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा यदि उनके तीनों एंगल आपस में बराबर हो, तो चलो हम लोग लास्ट केस में देख लेते हैं, लास्ट केस में क्या करेंगे, ए बी बड़ा होगा और डी क्या होगा, छोटा होगा, लास्ट केस में क्या कर लेंगे, ए बी को बड़ा ले लेंगे और डी को क्या कर लेंगे, छोटा, तो हम इसको आप तो नोट डाउन कर लिए होंगे, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, पूरा ही इरेज कर देते हैं इसको, हम इसको पूरा ही इरेज कर देते हैं, चलिए अब हम लोग लास्ट केस की तरफ फोकस करेंगे, तो लास्ट केस क्या है हमारा, हम्म,
इस बार है थर्ड नंबर केस में है ए बी ग्रेटर देन डी ए, यही है ना, बड़ा बना लो, छोटा रहने देते हैं थोड़ा सा, तो डी ई एफ ए बी सी है ना, इक्विंगुलर है यानी सारा एंगल अपन क्या इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, हम जितना डी है उतना हम यहाँ पे एपी लेंगे, डी इक्वल टू क्या कट कर लिए एपी और डी एफ इक्वल टू ए क्यू, इस बार हम इधर कट कर लिए क्योंकि इस बार ए भी बड़ा है ना, इस बार ए भी बड़ा है जैसे हम इधर इस बार इधर कट कर लिए, तो हम क्या करेंगे अब लेते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए पी क्यू, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, ये तो गिवन ही है आपका, ठीक है, और इसको मिला लेते हैं एक बार, ए पी इक्वल टू डी है ना, ए पी इक्वल टू डी ई और ए क्यू इक्वल टू डी एफ, कंस्ट्रक्शन तो आप यहां ध्यान देखिए एंगल साइड एंगल एंगल सॉरी साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, तो बाई एस एस बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल डीई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एपी क्यू, पहले देख लेते हैं ए का डी है सही है, ई का पी है, ई का पी है, एफ का क्यू, हाँ चलो ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हमारे पास क्या हो गया ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या कहेंगे बच्चों एंगल ए डी के बराबर है, तो एंगल पी ई के बराबर होगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई बाई सिंपलिसिटी, अच्छा एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ये कहां से है देखो मिला गिवन में होगा बच्चों, गिवन में था ना पहले, इसको हम इरेज कर दिए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा कहां से गिवन में, क्योंकि हमारा क्या इक्विएंगुलर था, तो एंगल पी ई के बराबर एंगल बी ई के बराबर, तो ई कैंसिल आउट, तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, सो एंगल पी इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी इक्वल टू एंगल बी, अब बताइए बच्चों एंगल पी इक्वल टू एंगल बी क्या है, ये लाइन पैरेलल होगा क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बस यही है, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो पी क्यू पैरेलल BC, PQ parallel, BC, लाइन क्या हो गया हमारा पैरेलल, क्यों लाइन पैरेलल हुआ, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आपको, तो लाइन पैरेलल हो गया, तो अब ट्रायंगल किसकी बात करें, ट्रायंगल ABC की बात करें, ट्रायंगल ABC में PQ parallel, BC है बाई BPT थ्योरम थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे AB अपॉन AP, क्या लिखे हम लोग बच्चों AB अपॉन AP, AC अपॉन AQ, AC अपॉन AQ, अब हम थोड़ा सा AP की जगह पे DE पुट कर देंगे और AQ की जगह पे DE पुट कर देंगे, हम आसानी से पुट कर सकते हैं, पुट AP इक्वल टू DE क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिए थे और AQ इक्वल टू DF, तो आपके पास क्या हो जाएगा AP अपॉन DE और AC अपॉन DF, चलिए आपके पास दो लाइन आ गया ना, जो आपको लाना था रिक्वायरमेंट आपको क्या था, आपका तो रिक्वायरमेंट था कि सर AB अपॉन DE आ जाना चाहिए और BC अपॉन AC अपॉन DF आ जाना चाहिए था और BC अपॉन EF आ जाना चाहिए था, तो ये तो आ गया ना आपको, ये तो आ गया, तो सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली यू कैन गेट यहाँ पे लिखिए, अच्छा यहाँ पे लिख लीजिए सिमिलरली AB अपॉन DE वी कैन गेट BC अपॉन EF, इसी प्रोसेस के द्वारा अगर हम सॉल्व करेंगे यानी कि हम यहाँ पे नहीं लेकर मतलब इस तरह से इक्वल नहीं लेकर के हम ये कंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे इधर कंस्ट्रक्शन लेंगे, इधर कंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे क्या लेंगे इधर कंस्ट्रक्शन लेंगे, तो हम उसमें क्या प्राप्त कर सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, अब यहाँ से मैच करके देखिए तो क्या लिख सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, क्या यही रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट था कि साइड प्रोपोर्शनल आ जाना चाहिए, इसका मतलब हमारा तीनों कंडीशन में, पहला कंडीशन में यदि AB DE के बराबर है तो भी हमारा साइड प्रोपोर्शनल आ गया था, ठीक है, दूसरा कंडीशन में AB छोटा है और DE बड़ा है उसमें भी हमारा साइड प्रोपोर्शनल आ गया था, तीसरा कंडीशन में AB बड़ा है और DE छोटा है उस कंडीशन में भी आपका क्या आ गया देखिए बच्चों साइड प्रोपोर्शनल आ गया, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम है, यदि कोई भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम है इक्विएंगुलर है तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे, वो सिमिलर होंगे ही
होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छा इसके लिए है। इसका बहुत बार यूज आता है बच्चों, मतलब ये कहने का मतलब है कि हम लोग इसका ही जनरली यूज करते हैं ट्रिपल ए थ्योरम का। ठीक है, यहाँ तक थ्योरम क्लियर है। अब छोटा सा दो मिनट का और एक कोरोलरी है, है ना, दो मिनट का और क्या है आपके पास, एक कोरोलरी है। तो कोरोलरी ये है बच्चों, इसको आप लिखो या ना लिखो कोई खास प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा है। इसको चलिए इसको नोट डाउन कर ही लेंगे आप लोग। ओ तो हम क्या बात कर रहे हैं, डबल ए कोरोलरी का। डबल ए कोरोलरी मतलब क्या है, यानी अगर कोई भी ट्रायंगल में तीन एंगल आपस में इक्वल है बच्चों। अब ध्यान दीजिए तो इसको शॉर्टकट में बताते हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल आपस में इक्वल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल तो आपस में खुद भी ना बराबर होगा, तीसरा एंगल तो खुद वो खुद बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल सम 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों एंगल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब हम कोई ट्रायंगल में बोलेंगे किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल आपस में बराबर है, तो इनडायरेक्टली हम उसको ये बोल रहे हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर है आपस में। इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, उसमें तीनों एंगल आपस में बराबर है। जैसे ये अगर आप करें 80, ये 50, ये 80, ये 50, तो ये कितना होगा, 50 ही होगा। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चौक बढ़िया नहीं चल रहा, नहीं इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप इसको ये थ्योरम पढ़ो या फिर इसको सॉल्व करो, है ना, या तो इस थ्योरम सॉल्व करो, ट्रिपल ए थ्योरम बोलो या फिर डबल ए कोरोलरी बोलो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे ही आपको सिंगर करने के लिए आएगा तो मोस्टली बच्चा डबल ए कोरोलरी करता है। मोस्टली क्या करते हैं, डबल ए कोरोलरी करते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रिपल ए जब थ्योरम क्लियर है तो डबल ए तो हो गई, दो एंगल इक्वल उसको तीसरा एंगल भी तो इक्वल होगा ही होगा।